देवेंद्र खन्ना जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन ट्वेंटी फोर न्यूज़ को और मुझे याद किया। और जाहिर है जब भी कोई अवार्ड किसी को मिलता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ जो भी हैं उसके प्रति एक अलग जागरूकता आती है और लगता है कि वाकई हमें कुछ ऐसा करना है या हमने जो कुछ भी किया है लोग उसको कहीं ना कहीं से याद कर रहे हैं। तो इस तरह का अवार्ड जब भी मिलता है तो काम के प्रति एक जज्बा बढ़ता है और निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन से हमारी जो सोच है उसमें बदलाव होता है। तो एक बार फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ मैं इन 24 न्यूज़ के अपने सारे स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साइंटिस्ट मुनीर खान और मुनीश खान जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे चैनल को जिस तरह से लगातार सपोर्ट किया है। ऐसे में हमारा मनोबल बढ़ता है और जब इस तरह के आयोजन में हमें याद किया जाता है तो लगता है कि वाकई हमारा जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं से लोग उसको महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दोस्त देवेंद्र खन्ना जी का अवार्ड फंक्शन था और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से मुझे बुलाया, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आऊँ और अवार्ड ग्रहण करूँ। कोई भी कलाकार जब उसे कोई अवार्ड मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मिलती है उसे बड़ी खुशी होती है कि उसका जो काम है वो सराहा जा रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मुझे तो इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये 40वां साल चल रहा है, 40 ईयर्स हो गए मुझे इस संगीत के क्षेत्र में। तो ईश्वर की कृपा से प्यार मिलता रहता है लोगों का, अवार्ड मिलते रहते हैं, प्यार मिलता रहता है। अवार्ड मिलने से ये लगता है कि लोग हमें याद कर रहे हैं, लोग हमारे काम को याद कर रहे हैं, हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। तो ये एक साइन होता है अवार्ड मिलने का और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कलाकार के लिए कि एप्रिसिएशन जो लोगों को पसंद आ रहा है। सर, मैं बहुत सारे इवेंट में जाता था, बहुत सारे अवार्ड में जाता था, लेकिन देखता था कि पता नहीं कौन लोग अवार्ड लेने आते हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ता था। और म्यूज़िक से मेरा चूँकि लगाव है और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो एवरग्रीन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जिस सृष्टि से जब म्यूज़िक शुरू हुआ है और आज तक चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। मनोरंजन करने का सबसे बेहतरीन साधन है म्यूज़िक, संगीत जो एवरग्रीन है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा हम म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ करें और मैंने एक म्यूज़िक अवार्ड शुरू किया जिसका नाम है एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड। इसमें मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को बुलाया और कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जो काफ़ी अच्छा अच्छा काम किए हैं लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला था। मैंने आज उनको सम्मान देने का काम किया है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, वो तो करते होंगे, पता नहीं करते ही होंगे 100%, लेकिन मैं उनको गौरवान्वित किया हूँ, उनको अवार्ड दिया हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आरोही मैंने एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, एक अलग हट के सब्जेक्ट है। मेरे जिन्होंने फिल्म देखी है आप YouTube पर देख सकते हैं, रिव्यू कमेंट्स देख सकते हैं, लोगों ने ऐसा बोला है कि ये सब्जेक्ट उन्होंने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं। आप सोच लीजिए 100 से ज़्यादा वर्ष हो गए इंडस्ट्री को, आज तक वो सब्जेक्ट कोई लेकर नहीं आया। मैं लेकर आया, ठीक है, मैं छोटा आदमी हूँ, मैंने छोटी फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई है, लेकिन आप ज़रूर देखिए फिल्म, यूट्यूब पर जाकर आरोही फिल्म का नाम है और जिस चैनल पर रिलीज़ हुई है उसका नाम है ताल म्यूज़िक एंड फिल्म्स। आप ज़रूर देखिए और देखकर कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या बनाया। और वो फिल्म अच्छे दर्जे बना सकता था मगर मैंने कई लोगों को सब्जेक्ट सुनाया लेकिन उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि आजकल क्या बिकता है, एक्शन बिकता है, सेक्स बिकता है। मैं कुछ सोशल सब्जेक्ट लेके आया, जो सब्जेक्ट आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, उसमें ऐसा सब्जेक्ट आपको लगेगा कि ये पहले कभी नहीं आया, क्यों नहीं आया, इस पर आप विचार करने लगेंगे। और ऐसे ही सब्जेक्ट मैं आगे लेके आया हूँ, मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है तलाक क्यों, वो भी शॉर्ट फिल्म है। उसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है पीड़ा के 5 दिन, जो कि लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है उसमें क्या क्या होता है वो लेके आ रहा हूँ। उसके बाद एक और लेडीज़ पर ही फिल्म है मेरी, बेटी हो तो ऐसी, वो ऐसी बेटी की कहानी है जो बिना शादी किए 85 वर्ष के अपने फादर की आज भी देखभाल कर रही है जबकि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पर ताल म्यूजिक एंड फिल्म्स पर। मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप बढ़ाइए ताकि आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट देखने को मिले, चैनल को मुझे सपोर्ट करें, धन्यवाद।